नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ प्राची पांडे। मध्य प्रदेश सहित रीवा जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर को होने जा रहे मतदान से ठीक दो दिन पहले यानी कि 15 नवंबर की आज शाम से चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम गया है। शाम 6 बजते ही चुनावी सभाएं और प्रचार वाहनों के पहिए थम गए हैं। अब ना तो प्रत्याशी सभाएं कर सकेंगे और न ही प्रचार वाहनों में साउंड लगाकर शोर मचा सकेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी प्रचार पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। हालांकि प्रचार का शोर थमने के बाद प्रत्याशी गुपचुप तरीके से प्रचार करने में जुट गए हैं और व्यक्तिगत रूप से मिलकर मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रज्ञा पाल के मुताबिक चुनाव आयोग द्वारा तय की गई समयावधि के बाद चुनाव प्रचार शाम 6 बजे के बाद से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर के मुताबिक चुनाव प्रचार के लिए वाहन तथा उपकरणों के लिए दी गई सभी अनुमतियां भी शाम 6 बजे के बाद निरस्त हो गई हैं और इस अवधि के बाद अब प्रत्येक उम्मीदवार अनुमति प्राप्त करके अधिकतम 3 वाहनों का ही उपयोग कर सकेगा। बता दें कि चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी चुनाव प्रचार प्रतिबंधित हो गया है। सोशल मीडिया पर सिर्फ वॉइस मैसेज, फोन कॉल अथवा समान SMS भेजकर प्रचार होगा। इसके अलावा आज शाम 6 बजे से ही 17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक जिले भर की शराब दुकानों में बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रतिबंध की अवधि में शराब खरीदी, बिक्री एवं परिवहन, भंडारण भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है।